सेवा आयोग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का ओएमआर शीट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार में शिक्षक की बंपर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी है वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in से आंसर शीट चेक कर डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा। लेटेस्ट अपडेट की बीपीएससी टीचर के ओएमआर शीट पर जिन उम्मीदवारों का क्वेश्चन सीरीज भरना छूट गया था बीपीएससी उनका भी रिजल्ट जारी करेगी। जी हां, बीपीएससी द्वारा उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों के सीरीज खोजने पर आयोग ने कहा है कि ऐसे जितने भी उम्मीदवार जिन्होंने ओएमआर शीट में क्वेश्चन सीरीज भरना छूट गया था उन सभी उम्मीदवारों की कॉपी भी स्केल यानी जांच की गई है। जिन उम्मीदवारों का नहीं है उन पर चारों स्टेप का स्केल ए, बी, सी और डी किया गया है, जिसमें उम्मीदवार का ज्यादा मार्क्स हो चाहे वो बी में हो, डी में हो या फिर ए में हो वही माना जाएगा। बिहार स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट आयोग की साइट पर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवार ओएमआर शीट को अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त की 24, 25 और 26 तारीख को की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 1,70,000 से ज़्यादा भर्ती होनी है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद की हालिया पोस्ट के मुताबिक बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 का परिणाम अक्टूबर के मध्य तक आने की संभावना है। हालांकि आयोग ने अब तक रिजल्ट की सटीक तारीख नहीं घोषित की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की ओएमआर शीट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार में शिक्षक की बंपर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दी है वो आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in से आंसर शीट चेक कर डाउनलोड भी कर सकते हैं। बीपीएससी ट्री ओएमआर शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करना होगा। और वहीं बीपीएससी टीचर भर्ती के ओएमआर शीट जो है पर जिन भी उम्मीदवारों का क्वेश्चन सीरीज भरना छूट गया था उनका रिजल्ट भी बीपीएससी द्वारा जारी किया जाएगा। बता दें कि खबरें ये हैं कि अक्टूबर के मध्य में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जिनका ओएमआर सीट पर सीरीज भरना छूट गया था बीपीएससी उनका रिजल्ट भी जारी करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।